Hello children, so welcome back to the e-class of St. Xavier School, Adipur. Now today we are going to learn studying about MSc chapter, that is chapter number 3, Friends Forever. Now Friends Forever means those who are friends whom we like to keep forever with us. है ना, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो उन बहुत सारे फ्रेंड्स में क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स हो जाते हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं. तो टुडे वी आर स्टडी अबाउट अ चैप्टर दैट इज फ्रेंड्स फॉर एवर. कैन यू इमेजिन ऑफ अ डे विदाउट हैविंग एनी ऑफ योर फ्रेंड विद यू? इट इज वेरी डिफिकल्ट. एवरी डे वी इंटरैक्ट विद आवर फ्रेंड्स. यू माइट हैव हर्ड द डिक्टम, a friend in need is a friend in deed. We look towards our friends for comfort in times of distress in our life. A true friend stands by us in all times, in good times and bad times alike. One who leaves in times of peril is not a true friend. Now we have lot of friends, and a friend who is always in with you in all your emotions, that is whether it is a tough time in your life or whether it is a very good time in your life, those who remain in both the times with you, they are your true friends. Who lives in your peril means those who leave your hands in your difficult times or a time which is not that good in your life, and those who leave you at that moment and is not indeed in need of you, indeed in coming in need of you, that means those are not our true friends. True friends means whenever we want them in our life, they should be there with us all the time, also in our happy times and also in our bad times. And both same goes for us too. If we are having friends, we should stand with them in their bad times and also in their good times. A friendship is a cooperative and supportive relationship between two or more people. What does it take to be a good friend? There are different types of friendship that we will encounter in our lives. Aristotle distinguishes three kinds of friendship: friendship of pleasure, friendship of utility, and friendship of virtue. Now, what is the meaning of it? Friendship is a cooperative relationship. Friendship का मतलब ये नहीं होता कि friend कुछ गलत कर रहे हैं तो भी आपको उसमें साथ देना. Cooperative means आपको एक सिचुएशन को उसके साथ अच्छे से लेके जाना है ताकि वो फ्रेंड को भी कोई नुकसान ना हो, आपको भी कोई नुकसान ना हो. अ लव बॉन्ड शुड बी देयर बिटवीन फ्रेंड्स व्हिच यू हैव, इन व्हिच यू कैन हैव द स्ट्रेंथ आल्सो टू मेक द पर्सन करेक्ट. ओके, नाउ एरिस्टोटल हैज डिस्टिंग्विश्ड मींस डिफरेंट डिफरेंसेस बनाया है फ्रेंडशिप के बीच में, डिस्टिंग्विश्ड अमंग देम इन थ्री पार्ट्स, व्हिच इज देयर फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर. मीन्स कि सिर्फ हम उस दोस्त के पास बहुत कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तो हम उसके साथ चले जाएंगे ताकि हमको सारा कुछ प्लेजर मिल सके. यूटिलिटी, कुछ फ्रेंड्स को हम सिर्फ यूज करते हैं जब हमें इनकी जरूरत हो, जब जरूरत खत्म तो हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म. एंड फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स जो हम होल एंड सोल के साथ में ट्रूली हम जो रखते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू. फ्रेंडशिप कैन एग्जिस्ट बिटवीन मैन मैन, वुमन वुमन और अ मैन वुमन. देयर इज नो लिमिटेशन टू फ्रेंड्स कि लाइक गर्ल गर्ल के साथ भी फ्रेंड्स रह सकते, बॉय बॉय के साथ भी फ्रेंड्स रह सकते. अ मैन कैन बी अ फ्रेंड टू अ मैन, अ वुमन कैन बी अ फ्रेंड टू वुमन, अ मैन एंड वुमन कैन बी फ्रेंड टू ईच अदर. सम पीपल इवन एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप विद देयर पेट एनिमल्स. वी हैव पेट एनिमल्स एट होम, दोस पीपल कैन अंडरस्टैंड वी हैव अ वेरी क्लोज लव बॉन्ड रिलेशनशिप विद अवर पेट एनिमल्स बिकॉज दे ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अस. फ्रेंडशिप ट्रांसेंड्स एज इज एंड पॉसिबल बिटवीन इवन ओल्ड एंड यंग. लव इज द बाइंडिंग फोर्स इन ट्रू फ्रेंडशिप. नाउ सी, इवन आई हैव वन फ्रेंडशिप एंड सिस्टरली फीलिंग विद पीपल हु आर एल्डर टू मी एंड आई फील मोर बॉन्ड टू देम. आई इवन हैव लव very friend love relationship friendship with the younger to me, and also I have friends those who are of my same age. So age is not a bound, comfort is the thing. Age koi bound nahi ki main mere age wala.
साथ ही फ्रेंडशिप रख सकती हो. नो, इट्स अ कंफर्ट फीलिंग. इट्स अ फीलिंग यू फील अ कनेक्शन विद अ पीपल. इट कैन बी एल्डर टू यू, दे कैन बी यंगर टू यू, बट इट डजंट मैटर इन द फ्रेंडशिप. लव, अ फ्रेंड इज अ पर्सन हु इज एबल टू लव इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज बीइंग लव्ड और नॉट. फ्रेंड्स शेयर म्यूचुअल इंटरेस्ट. दे वॉन्ट वॉट इज बेस्ट फॉर द अदर. They show sympathy and honesty. They support and listen to each other. When we share a friendship with someone, we are sharing ourselves. Now see, now in my professional life, I have friends as jo teachers mere ko hai, but I have made a bond with them. So they are my friends now more than my professional teachers. Okay, more than my coordinators. Or more than my colleagues, they are my friends now. So, as personal life, we have different friends. Professional life, we have different friends. But where the bond comes? When we have a cooperative, love, respect bond with each other. It is very important to respect each other in any of the relationship you are having. Then only that relationship will be having strength. It is said that two friends are like mirrors. Why it is said like two friends are like mirrors? Because if you do a mistake in front of a mirror will show you the mistake. If you are doing something good, mirror will appreciate you. That's why it is said friends is like a true friends is like a mirror. If they are your true friends, they will always tell you where you are going wrong, where you are going right, and where you are not doing the proper thing. सो कॉल्ड फ्रेंड्स कैसे होते हैं? हाँ, कर लेना, भले हम गलत कर रहे हो तो भी उसने साथ देते हैं. हाँ, कर लेना, चलेगा, कोई बात नहीं. दे आर नॉट अवर ट्रू फ्रेंड्स. रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड योर फ्रेंड इज सपोर्टिंग यू इन दैट रॉन्ग थिंग, दैट मींस ही और शी इज नॉट योर ट्रू फ्रेंड. पर्सन शुड नॉट सपोर्ट यू व्हेन यू आर डूइंग रॉन्ग. हो सकता है कि आपको जब कोई फ्रेंड सुधारे तब आपको गुस्सा आए और आप बोलो छोड़ो तेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी, तू जब देखो मेरी गलती निकालता है या निकालती है. बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू विल रियलाइज द वन हु शोड यू योर मिस्टेक इज योर ट्रू फ्रेंड, द वन हु विल टेल यू दैट यू आर डूइंग रॉन्ग और अप्रिशिएट यू फॉर योर राइट, दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स. व्हेनेवर वी लुक एट देम वी सी आवरसेल्फ्स. A true friend will be able to point out your abilities as well as your weakness to us just as a mirror. Friendship is undoubtedly central in our lives. Our friends can help shape who we are as persons. Now see, friendship is such a relationship that you choose your life, in your life. Okay? Parents, God gives us. Okay? Brothers and sisters, they are the relationship of our blood relationship. They are also bound by our parents. That is also gifted by God. Hai ki nahi? Cousins, chacha, chachi, mama, mami. You have not chosen them. They were already there in your lives. Okay? Hai na? Chacha hai, papa ke bhai hai, maasi hai, mummy ki behen hai. Toh wo sab already the, tum paida ho gaye. So you are bound to have all that relationship. But friends we choose. Friends relationship we make. कि हमें किससे दोस्ती करनी है, हमें ना पापा बताते हैं, ना मम्मी बताते हैं, ना भाई, ना चाचा, ना मामा, कोई नहीं बताते. नो अंकल आंट टेल अस हूम टू कीप योर फ्रेंडशिप विद. ओके, कौन करता है? वी आर चूजिंग आवर फ्रेंडशिप. सो दैट दिस इज अ सच अ रिलेशन दैट यू चूज फॉर योरसेल्फ. वी कैन फाइंड थ्री कैरेक्टर्स ऑफ फ्रेंडशिप. दे आर म्यूचुअल केयरिंग, love and intimacy, and shared activity. A necessary condition for friendship is that the friend care about the other. Mutual caring implies sympathy and being moved by what happens for a friends to feel the appropriate emotions. Joy in friends, success, disappointment in friends, failure, etc. Now, friendship is such a feeling which having a different type of characteristics. There is love, there is intimacy, there is sharing of each other. Okay, now mutual caring applies that sympathy. Ek dusre ke liye mutually care karna, sympathize karna means agar dusre
होगा, आप उसकी जगह में रख के आपको फील करोगे, दैट इज कॉल्ड सिंपथाइजिंग विद एनीवन, एम्पथाइजिंग विद एनीवन, एंड देयर विल बी डिफरेंट लाइक जॉयस, सक्सेस होगा, फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, सो ऑल दैट इमोशंस आर गोइंग ऑन इन द फ्रेंडशिप. देयर इज, जब कभी आप लड़ोगे, कभी आप झगड़ोगे, कभी आपको बहुत प्यार आएगा, कभी आपको गुस्सा आएगा, सो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन द फ्रेंडशिप. The intimacy in friendship is to understood in terms of mutual self-disclosure. Such mutual self-disclosure creates the bond of trust essential to friendship. Shared activity is important because friends normally have shared interests as part of the intimacy and they engage in joint pursuits. Now see, I love dancing. So mostly kya hota hai, my friends, those who are there, they are also love with the dance. So that is an intimacy bond we share with each other as an activity. As friends, we also need a common activities to be done with each other. That is very very important. Okay, agar hamare beech mein kuch common zaruri nahi hai, but it is an important character. Jaise singing pasand hai, to jisko singing pasand hai to hum ek sath activity karte hain, kabhi hum cycling ek sath karte hain, hum khelte ek sath hain, so that bond is shared between the two people when we are sharing the activities also. Now self-disclosure, what is the meaning of self-disclosure? You should not hide about something about yourself, hai na? Aap ek dusre se free rehna zaruri hai taki hum ek dusre ko samajh sake, ek dusre ke bare mein hum feelings share kar sake, aur wo hamare liye ek bond bhi rahe ki hum wo kisi aur ko disclose bhi na kare. Okay, so that is very important for us to share the mutual feelings with each other. That creates a bond of trust. Agar aap kisi se apna personal life share kar rahe ho, so that means you are interested in that person's life. So that's why you are sharing it with your friend. So you need to have that personal bond with that friend to create the bond of trust. Now, friendship has individual and social values. Friendship is the life enhancing which makes us feel more alive. It improves our activity by helping us to get fully involved with them. It helps promote self-esteem too. Friendship and the resultant shared activities essential involves are needed to reinforce our intellectual and practical life. Now friendship doesn't only mean that you call or chat with each other or you spend a little time with each other. No, friendship is such a bond that will enhance your personal professional life also. When you have a good friend with you, he or she will help you to enhance your life. You have an, to bring an enthusiasm in your life that like you feel more alive. Samjho, koi friends nahi hai, ना आपका खुशी शेयर करने के लिए या ना आपका दुख शेयर करने के लिए, तो आप हमेशा लाइफ में एक जगह पे ही रह जाओगे. When you have true friends, there is no need of more friends. Like I have 10 to 15 friends, ऐसा नहीं. If you have also one friend or two friends, but they should be genuinely friends with you. So that can enhance your life more. जो आपका सेल्फ एस्टीम है, जैसे आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता कुछ कुछ चीजें करने में, है ना, कभी हमें लगता है हम स्पीच नहीं दे सकते, कभी हमें लगता है हम गा नहीं सकते, बट वेन यू हैव ट्रू फ्रेंड विद यू, ही और शी विल गिव यू दैट बूस्ट, नहीं तुम कर सकते हो, गलती होगी चलेगा, बट यू कैन डू इट. सो दैट बूस्ट इज इनफ फॉर ब्रिंगिंग अस द टैलेंट इन अस ऑल्सो. नाउ क्वालिटीज टू बी अ गुड फ्रेंड, नाउ दीज आर सम क्वालिटीज विच इज टॉप डाउन योर लाइक टू बी अ गुड फ्रेंड. अब ये सब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है हर कोई क्वालिटी. टू बी अ गुड फ्रेंड यू शुड डेवलप सर्टन क्वालिटीज. लेट अस सी व्हाट क्वालिटीज वी शुड हैव एंड एक्सपेक्ट इन अ फ्रेंड. वी शुड ऑल्सो हैव दिस. ऐसा नहीं कि हम सामने जो हमारे दोस्त है सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो ये करे मेरे लिए, वो करे ये करे. नो, यू शुड ऑल्सो नीड टू गिव. यू विल गिव, यू विल रिसीव. So that should be a mutual bond with each other. Be honest. Good friends will tell you the truth always. I have already explained it. Good friend will work, what he or she will do will always tell you the truth, whether it will hurt you or not. भले आपको बुरा लगेगा,
लेकिन क्या है, जो सच्चे दोस्त है वो आपको सच ही बताएंगे ताकि आप कुछ गलत ना करो. इवन इफ इट मे डिसप्लीज यू, शी और ही विल टेल द ट्रुथ. एन ऑनेस्ट फ्रेंड इज अ ग्रेट एसेट इन योर लाइफ. We don't need friends, those who have money, those who have big bungalows, those who have cars and everything. They are not of use. You only need a good person who is honest with you, with their feelings. जो आपको दिखावा ना करे. गुस्सा है तो है, दुखी है तो है, और खुश है तो है, और आपको भी वही सही राह बताए, so that you don't do anything wrong in your life. Be trustworthy, and you should also be the same for the other person. Be trustworthy. A friend's most important thing is trust. When a friend is telling us something and he or she wants it to be very private, not to tell to anyone, then that trust should be there. Otherwise, no friendship can exist. A good friend is one on whom you can rely for help at any time. A friend who breaks trust will lose credibility. Friendship will not survive without trust. We should keep the confidentiality of what our friends share with us. Always we need to keep that confidentiality with our friends. मतलब अगर आपको किसी फ्रेंड ने उनका कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम बताया है या कुछ भी अच्छा भी बताया हो, बट वो पर्सन नहीं चाहता कि वो कोई तीसरा इंसान जाने, चौथा इंसान जाने. सो दैट इज आवर ड्यूटी टू कीप इन आवर सेल्स. वी डू नॉट डिस्क्लोज टू each other. Be respectful. Good friends respect each other. We should learn to be respectful in our dealings with our friends. Never degrade your friends in front of others. Now, a friend is a person who can hide your क्या बोल सकते हैं, जो कमियां हैं दूसरों के सामने दिखाए ना. अच्छा, इसको तो ये नहीं आता है, या इसने तो ये नहीं किया है, या इसको समझ ही नहीं है. No. You know what your friend is going through. You know what your friend can do and cannot do. Sometimes what happens, जो आप कर सकते हो शायद आपके दोस्त नहीं कर सकते, या जो आपके दोस्त कर सकते वो आप नहीं कर सकते. But it is our duty to keep it very confidential. हमारे पास ही ऐसे नहीं दिखाने का, अरे इसको तो ये नहीं आता है, ये तो नहीं कर सकता, ये कर सकती. So we should not degrade our friend. Instead what we should, अभी नहीं हो रहा ना, कर लेगी, बाद में हो जाएगा. So that is the thing, we need to give a friend a confidence. Keep, and you should respect him or her in front of others always. Personally aap ladho, jab log unko apna kamiyan batao, that is okay. But in front of others it is very important to keep that respect. Be a good listener. We should need to listen to them. Ya aap bol rahe ho to samne wala bhi sune, samne wala bol raha hai to aap bhi sune. We should have patience to listen to our friends. Just as you would like your friend to listen to you, spare time to listen to your friends' joys and woes also. A good listener can keep always a good relationship with others. Those who are not able to listen to others, they won't be able to handle the relationship. Whether it is between your parents, brothers, sisters, husband, wife, or friends. Friends mainly. Because we choose this relationship, which we have to keep it very sacred. Be not judgmental. Being honest does not mean that you should be overly critical and judgmental. Your friend may have his or her reasons for behaving in a particular way. Stand by them even when they commit mistakes. Now, sometimes what happens, ho sakta hai aapne bola, aapke friend ne nahi suna. और उसने जाके कोई गलती की. इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर दोस्त ने गलती की तो आप उससे फ्रेंडशिप ही तोड़ दो. नो, स्टैंड बाय देम व्हेन दे कमिट मिस्टेक मींस डजंट मीन यू सपोर्ट दैट मिस्टेक. अभी कुछ गलती हो गई, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द फ्रेंडशिप और इंस्टेड ऑफ डिग्रेडिंग दैट पर्सन और एकदम से जजमेंटल हो जाने के लिए तो ऐसे है, मेरे को बात नहीं करनी. नो, need to stand and make them correct. कि भाई तुमसे गलती हुई है, अब हम इसको सुधारेंगे. कैसे सुधारेंगे? साथ में सुधारेंगे. So that is very important in friendship. You cannot abandon anyone only because he or she has done some mistake. We are human, we are not God, है ना. हमसे भी गलती हो सकती है, समझो हमसे गलती किसी ने हमको छोड़ दिया तो
आज गलती हुई है तो कल भी होगी। कल गलती होने से पहले किसको सुधारना है? हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ में मिलके वो सुधारना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बी नॉन जजमेंटल। बी अप्रिशिएटिव इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस। अप्रिशिएट व्हेन योर फ्रेंड इज डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस। व्हेन योर फ्रेंड डज बेटर देन यू, यू मे फील जेलस, बट बी एनकरेजिंग एंड अप्रिशिएटिव। डेवलप जेन्युइन इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ योर फ्रेंड। बी सपोर्टिव। वी शुड ऑलवेज बी सपोर्टिव विद आवर फ्रेंड्स। बी एट द साइड ऑफ योर फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स एज वेल एज इन बैड टाइम्स। समटाइम्स दे मे नीड एनकरेजमेंट फ्रॉम यू। बी लैविश इन गिविंग। एनकरेजमेंट देना है हमें और कुछ नहीं देना, तो वो हम लैविश नहीं, मतलब दिल खोल के उनको एनकरेज कर सकते जिन, वो ही उन्हें हमारे तरफ से एक सपोर्ट देता है। बी रेसिप्रोकेटिव। डू नॉट अलाउ योर फ्रेंड्स टू बी वन साइड। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। डेवलप गुड कम्युनिकेटिव स्किल्स। इट इज अ टू वे ट्रैफिक। दोनों को आपस में बात करना बहुत जरूरी है। अगर आपका फ्रेंड आपसे कुछ नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सोचोगे अच्छा वो नहीं बोल रहा है तो ना बोले, मैं ही बोलूंगा, या उसको नहीं बताना है तो नहीं बताए। नो, इफ यू फील समथिंग इज डिस्टर्बिंग और इफ यू फील समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, यू कैन आस्क योर फ्रेंड एंड दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन स्किल एंड दैट शुड बी टू वे। बी अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस। नाउ एक कहावत है, जहां दूसरे की नाक शुरू होती है देयर वी शुड नीड टू हैव अ फुल स्टॉप। यू आर बेस्ट फ्रेंड्स बट देयर आर पर्सनल स्पेस टू। Some will give you that personal space also and some want that personal space to be as personal space. So we need to respect that space and we no need to barge into it in their personal life if they don't want. So it is very important that we should know our limitations also. And do not expect your friends to behave as you want. They can behave as they want and you have to accept your friends as they are. Be helpful. When your friend is in need of your help, be ready to offer. People will remember the kindness you showed them. Whenever your friend is need in help, give it to them. That's what they want. Be ready to say sorry. Very important in all the relationship. If you have done mistake, if you have hurt somebody, if anything is there, be ready to say sorry. We are not perfect beings. Always be ready to say sorry to your friends. When you happen to offend them or commit mistakes, don't feel ashamed to say sorry. This shows the nobility of your character. In the same way, forgive your friends of if he or she has committed any mistake. जो हमने पहले भी पढ़ा, एक तो पहले दिल होना चाहिए कि we should know how to say sorry. We should be able to say sorry. If you have done any mistake, कोई छोटा नहीं होता sorry बोलने से. And we should also learn to forgive. अगर सामने वाले ने किया है कुछ mistake, so let's just forgive and walk together in the future. So this is all about the friendship forever. So if you follow all this with your friend, that friendship will last forever. Now here also we have two exercises, that is complete the following sentence and answer the following questions that I will give you in the next video with the PDF. Okay students, so go through the chapter, read the chapter, listen.